राज्यसभा सत्र में खूब लगे ठहाके। ऐसा कीजिए, ये बात आप जयराम जी को भी बताइए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। सभापति धनखड़ ने सबको कैसे गुदगुदाया। सर आपके बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा कीजिए, ये बात आप जयराम जी को भी बताइए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जयराम जी को ये बात बताइए, सर इस समय आप सभापति की सहमति से ही होता है। सहमति देने के लिए आप देखिए बहुत तत्पर हूँ। सर इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे उम्मीद है सब आप मुझे तो दे देंगे। उम्मीद है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम। श्री प्रमोद तिवारी, व्हाट यू टू से? I am just pointing out 267, sir. No. I want to teach myself, sir. I want to get lesson. No, pointing out is not. You want to take floor to say what? Just I want to read 267 and nothing more. Sir, members have read it. Let us give a tribute to our members they are fully aware to the text of 267. Sir, I want interpretation from the chairs. Okay, so you are raising point of order. Yes, sir. Okay, please. I said, please, sir. कोई सदस्य 267 सर, कोई सदस्य सभापति की सहमत से, yes. सबसे बड़ी सर आपके बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा कीजिए, ये बात आप जयराम जी को भी बताइए। सर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जयराम जी को ये बात बताइए। सर इस समय सभापति की सहमति से ही होता है सर, और मैं सहमति देने के लिए आप देखिए बहुत तत्पर हूँ नियमों के अनुसार। सर इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे उम्मीद है सब आप मुझे तो दे देंगे। उम्मीद है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम। माननीय तिवारी जी, कोई सदस्य सभापति की सहमति से, मैं पढ़ देता हूँ, सहमत से ये प्रस्ताव कर सकेगा, ठीक है सर, उस दिन राज्यसभा के समय सूचीबद्ध, ठीक है सर, कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर, प्रस्ताव भी है सर, किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाए, और यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, परंतु ये और किए नियम उस समय में लागू नहीं होगा जहां नियमों के विशेष अध्याय के अधीन किसी नियम के निलंबन के लिए पहले से ही कोई विशेष उपाय वो है नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अडानी का 2300 करोड़ का प्रकरण है, इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की ओर से एक सवाल आया, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने इत्मीनान से जवाब दिया। जयराम रमेश ने पूछा था कि हम आसन को कैसे मना सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आप नियमों के अनुपालन के उच्चतम मानक का प्रदर्शन करके ही सभापति को मना सकते हैं। I am unable to accept them and they are hereby declined. There is a good question emanating from, I would say, my dear friend Jairam Ramesh. He says, how do we persuade the chair? It's a good question, therefore I seek to answer it. One second. We persuade the chair historically only by exhibiting highest standard of conformity to the rules. And as I indicated yesterday, the ruling of the chair must evoke deference and not a challenge. And I'm sure rules are so comprehensive that they enable every member of parliament to contribute. Let me advert for a moment. During last session, we had the occasion to make allocation of time and we failed to utilize the time because of want of speakers, and therefore there can be no grievance at all to voice your concerns
but in accordance with rules. If we start having our practice my way or no way, that is not only not democratic, that will pose a great challenge to the very existence of this sacred theatre. I have no doubt any deviation from the rules is virtually sacrilegeing this temple. Only one, Sri Pramod Tiwari. One second, Pramod Tiwari, what have you to say? I am just pointing out 267, sir. No. I want to teach myself, sir. Pointing out is not. You want to take floor to say what? Just I want to read 267 and nothing more. Sir, members have read it.